हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको NIOS डेली एड ब्रिज कोर्स, जिसे कि PDPT प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके लिए कोर्स कोड 523, कोर्स टाइटल करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा PDPT स्टडी के इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कोर्स कोड 521, 22, 23, 24 के लिए मेरा 82 वीडियो है। इससे पहले 81 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जिनमें कि कोर्स कोड 521, 22, 23, 24 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स PDF के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मंगाना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या वीडियो क्लास में मैं नंबर आपको बताऊँगा, जहाँ से आप मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंगाने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स PDPT के एग्जाम दे रहे हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म करिकुलम, जो करिकुलम शब्द है उसे डिफाइन करना है, करिकुलम शब्द को बताना है। करिकुलम क्या होता है, हिंदी में से पाठ्यचर्या कहते हैं। डिफाइन द टर्म करिकुलम, करिकुलम शब्द को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है, करिकुलम हैज बीन डिफाइंड इन फॉलोइंग वेज। जो करिकुलम है, जो माफी चाहूंगा, करिकुलम को पाठ्यचर्या कहते हैं, जो करिकुलम पाठ्यचर्या है उसको इन तरीकों से डिफाइन किया गया है, इन तरीकों से बताया गया है। अ करिकुलम इज अ स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। अ करिकुलम इज अ स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, ये जॉनसन ने बताया 1967 में। मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोज इंपॉर्टेंट रहेगा। जो करिकुलम जो होता है वो पाठ्यचर्या ऐच्छिक अधिगम प्रतिफलों की संरचित श्रृंखला है। पाठ्यचर्या ऐच्छिक अधिगम प्रतिफलों की संरचित श्रृंखला है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो अगली डेफिनेशन बताई है, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल डोज एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड बाय स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ स्कूल। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल डोज एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड बाय स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ स्कूल, ये मुनरो ने कहा है। इसका मतलब है, पाठ्यचर्या विद्यालय के उन सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करती है जो विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निर्देशित किए जाते हैं। अगली डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये है, अ करिकुलम इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ फॉर्मल एजुकेशनल एंड और ट्रेनिंग इंटेंशंस। अ करिकुलम इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ फॉर्मल एजुकेशनल एंड और ट्रेनिंग इन टेंशंस, डेविड हेट 1980। इसका मतलब है, पाठ्यचर्या औपचारिक शैक्षिक और अथवा प्रशिक्षण प्रयोजनों का एक व्यवस्थित समूह है, ये डेविड हार्ट 1980 ने कहा है। अ करिकुलम इज ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस डेट इंडिविजुअल लर्नर्स हैव इन अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन हुज पर्पज इज टू अचीव ब्रॉड गोल्स एंड रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका जो मतलब है, पाठ्यचर्या वे सभी अनुभव हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप में शिक्षार्थी शिक्षा कार्यक्रम में प्राप्त करते हैं और जिनका प्रयोजन विस्तृत लक्ष्यों व उनसे संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति है। विच इज प्लान्ड इन टर्म्स ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ थ्योरी एंड रिसर्च और पास्ट एंड प्रेजेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ये जो डेफिनेशन है ये ग्लेन हॉस ने 1987 में दी है। जो कनिंघम ने बताया, कनिंघम है डिस्क्राइब्ड अ करिकुलम कॉन्सेप्ट इन अ वेरी एप्ट वे। कनिंघम में जो करिकुलम डिस्क्राइब किया है वो यहां पे बताया गया है। ही सेज, जो कनिंघम ने कहा है, करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। तो इन्होंने बताया, जो पाठ्यचर्या होती है एक कलाकार शिक्षक के हाथ में उपकरण है। करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये जल्दी से समझ में आ जाएगी और कैंडिडेट्स पेपर में भी लिख सकते हैं। करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टीचर। जो करिकुलम है वो पाठ्यचर्या एक कलाकार शिक्षक के हाथ में उपकरण है। टू मोल्ड हिज मटेरियल प्यूपिल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो स्कूल।
जिससे वह अपने स्टूडियो विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार अपनी सामग्री विद्यालय को ढालता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो कनिगम है डिस्क्राइब द करिकुलम कॉन्सेप्ट इन अ वेरी ऑप्ट वे। यहाँ पे जो कनिगम ने जो बहुत सही ढंग से पाठ्यचर्या की अवधारणा का वर्णन किया है, एप्ट मतलब बहुत सही ढंग से, वो उन्होंने जो बताया है, करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। जो पाठ्यचर्या है वो एक कलाकार शिक्षक के हाथ में उपकरण है टू मोल्ड हिज मटेरियल पीपल, जिससे वह अपने अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो स्कूल, जिससे वह अपने स्टूडियो विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार अपनी सामग्री विद्यार्थी को ढालता है। Thus we can conclude that curriculum is perhaps best thought of as that set of planned activities which are designed to implement a particular educational aim. तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पाठ्यचर्या की सबसे अच्छी सोच है कि यह योजनाबद्ध क्रियाकलापों का समूह है। Set of such aims in terms of the content of what is to be taught and the knowledge. जिन्हें एक शैक्षिक उद्देश्य ऐसे उद्देश्यों का समूह पढ़ाए जाने वाले पठन सामग्री और ज्ञान। यहां मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट्स पीडीएफ मंगाना चाहते हैं वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम और पीडीपीडी लिख के मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मेरे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं, इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था, सेट ऑफ एम्स इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट एंड द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स विच आर टू बी डिलीबरेटली फॉस्टर्ड, विंस साइटेड इन एनसीएफ 2005। Together with statement of criteria for selection of content and choices in methods, materials and evaluation, Steinhaus। तो इसका जो हिंदी में जो मतलब होगा, ऐसे उद्देश्यों का समूह पढ़ाए जाने वाले पठन सामग्री और कौशल और अभिवृत्तियां जिन्हें जानबूझकर बढ़ाना है, साथ ही पठन सामग्री के चयन का मापदंड और विधियों सामग्री एवं मूल्यांकन Steinhaus के सुनाव के संबंध में रचित किया जाता है। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, In terms of content of what is to be taught and the knowledge, skills and attitudes which are to be deliberately fostered, which cited in NCF 2005, together with statements of criteria for selection of content and choices in methods, materials and evaluation. तो जैसे कि 523 के पेपर में गैप नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 523 के importance और answer type question आपको बताए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें। जल्दी मैं पीडीपीटी प्रोग्राम के लिए बहुत सारे अन्य वीडियोस लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में अपने कमेंट बताइएगा, वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो वो बताइएगा, किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।